टीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दी गया है रेलवे ने आप लोग देख सकते हो ये डेट देख सकते हो ये डेट है आप लोगों का चौदह सितंबर दो हज़ार बाईस को यह नोटिस जारी कर दी गई है जिसमें फुल प्रोसेस बताया है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किस किस तरह से हम लोग यहाँ पे डी करने वाले हैं सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत तो मैं आप लोगों के जो भी डाउट है जो भी रेलवे ने बोला है नोटिस में उसे मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट करके बारीकी से समझा दूंगा जो भी पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट रिपोर्ट्स और आप लोगों के फॉर रिक्रूटमेंट्री ऑफ वेरियस पोस्ट एन टी पी सी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एन टी पी सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है तो आइए देख लेते हैं बारीक बारिक से एक एक पॉइंट के ऊपर क्या, क्या क्या लिखा है द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाज कंडक्ट सेपरेटली सेपेटरीली मतलब अलग अलग फोर ईच ईच पे लेवल यानी कि जो आप लोगों का सेकंड स्टेज है ना वो रिलेवल ने प्रत्येक लेवल के लिए लेवल टू थ्री फाइव सबों के लिए अलग अलग कराया है और आगे बोल रहा है एज सच ए द कैंडिडेट हैव टू कंसिडर्ड इन मोर देन वन पे लेवल पर द मेरिट एंड ऑप्शन फोर द पोस्ट इन द रेस्पेक्टिव पे लेवल यानी कि जो एक कैंडिडेट है ना एक से अधिक एक से अधिक लेवल के ऊपर है यानी कि एक कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट लेवल टू में भी लेवल थ्री में भी लेवल फाइव लेवल फाइव में भी है इस तरह का ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट से कोई मतलब निकलता दूसरा पॉइंट से देखते हैं दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट बोल रहा है आप लोगों का हाउ एवर जो भी एज द एज कैंडिडेट कैन अप्लाई टू बी इम्पेल अगेंस्ट वन पोस्ट इट इट इज ए असेंशियल टू बी पब्लिश फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन वरियस पे लेवल वन आफ्टर द अदर इन सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हाइस्ट पे लेवल सिक्स द सो यूनिक कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड अक्रॉस द पे लेवल इनका कहने का मतलब यह है कि हम हाइएस्ट पे लेवल यानी सिक्स से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की पूरी पूरी, पूरी को पूरी कोशिश कर रहे हैं इसलिए इन्होंने पहले से ही लेवल सिक्स का रिजल्ट जारी कर दिया तो यानी कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाइस्ट पे जो हाएस्ट पे लेवल सिक्स है उससे यानी कि स्टेशन मास्टर से लेवल सिक्स का होगा फिर लेवल फाइव का होगा फिर लेवल थ्री का होगा फिर लेवल टू का होगा इस तरह से इनका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाला है और एक ऊपर एक लाइन लिखा है जो कैंडिडेट लेवल सिक्स में सेलेक्ट हो जाएगा उसे एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा तो

चौथा पॉइंट यहाँ पे द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट इन पे लेवल सिक्स वाज बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड सीबीडी टू और एपीट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर स्टेशन मास्टर के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए बोल रहा है कि लेवल सिक्स में आप लोग होगा सीबीटी टू और एपीट्यूड एपीट्यूड टेस्ट यानी कि एप्टीट्यूड एपीट्यूड मतलब जो भी टेस्ट बोलते हैं आप लोग उसको यह साइको टेस्ट बोलो यहाँ पे मैं तो साइको टेस्ट और आप लोग होगा सीबीडी टू मार्क्स के ऊपर यहाँ पर बताया गया है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किया गया है लेवल सिक्स के लिए एंड द प्रायोरिटी ऑफ वरियस पोस्ट विद इन पे लेवल सिक्स फर्नि फर्निश बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप लोगों का लेवल्स इसके बारे के लेवल्स इसके बारे में ही बता रहा है जो पांचों पॉइंट आप लोग ये देखो पाँचों पॉइंट बोल रहा है इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्टेड यूनिक कैंडिडेट एज एक्सप्लेन इन एट एस आई नंबर अबो द कैंडिडेट वू आर कॉलड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेबल सिक्स हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग ये वाला देखो अंडरटेकिंग का आ गया है जो आर टी आई लगी थी ना आर टी आई का जो रिप्लाई है ना अंडरटेकिंग देट इफ फाउंड मेडिकली फिट मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट ऑफ पे लेबल सिक्स दे विल फॉर इट द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर अदर पे लेवल कैंडिडेट विल बी थर्स इंपेल अगेन इन वन पोस्ट ओनली यानी कि आप लोगों के ये बोल रहे हैं जब डी वी जब डी वी का प्रोसेस होगा तो यूनिक बंदे मतलब यूनिक आप लोगों की पोस्ट होगी यानी कि एक ही पोस्ट के लिए आप लोगों को यहाँ पे डी वी होगा उसके बाद में अगर आप लोगों के यहाँ पे लेवल इसका लेवल सिसका आप लोगों को डी वी के लिए बुलाया गया है अगर लेवल सिस्का डी वी के लिए बुलाया गया है और आपसे पूछा जाएगी डी वी और मेडिकल होने के बाद में अगर आप लोग आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग लेवल के लिए लेवल सिक्स में जाना चाहते हो यानी स्टेशन मास्टर की जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों को स्टेशन मास्टर की जॉब दे दी जाएगी फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जब लेवल फाइव का रिजल्ट आएगा जब लेवल फाइव का पैनल आएगा तो उसमें आप लोगों के नाम नहीं आएंगे चाहे लेवल फाइव में आप लोगों के एक ही मार्क्स आ रहे हो गए में से तब भी आप लोगों का नाम नहीं आएगा यानी कि एक कैंडिडेट को एक ही जॉब दी जाएगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जो छठा पॉइंट क्या है छठा पॉइंट आप लोगों का ये वाला है द कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट यानी कि जो मेडिकल कराते हुए जो कैंडिडेट हैं वो अनफिट पाया जाता है यानी कि मेडिकल में सक्सेज नहीं होता है तो मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट इन पे लेवल सिक्स विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू नेक्स्ट लोअर पे लेवल पोस्ट यानी नेक्स्ट लेवल मतलब आप लोगों का नेक्स्ट जो नीचे के लेवल है ना लेवल सिक्स से थ्री टू और आप लोगों का फाइव है एज पर द मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस इन द रेस्पेक्टिव पे लेवल यानी कि कोई बंदा यहाँ पे लेवल सिक्स का मेडिकल करा रहे हैं और उसमें वो अनफिट पाया गया यानी कि डीवी में तो पास हो गया वो मेडिकल में अनफिट पाया गया तो उसको जो नेक्स्ट लेवल की जॉब होगी लेवल सिक्स से नीचे आप लोगों का लेवल फाइव और लेवल थ्री लेवल टू में उसको कंसीडर किया जाएगा ये बोल रहा है यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे डी में हो गए और मेडिकल में मेडिकल में फेल हो गए और आप लोगों का ये लेवल फाइव में अच्छा मार्थ, अच्छा मार्क्स बन रहा है यानी कि लेवल फाइव में आप लोगों का लेवल फाइव में अच्छा मार्क्स बन रहा है तो आप लोगों को लेवल फाइव की जॉब दी जाएगी ये बोल रहा है ना नीचे आप लोग नेक्स्ट ले नेक्स्ट पे लेवल तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो सातों पॉइंट है आप लोगों का सातों पॉइंट दिख लेते हैं सातों पॉइंट का है आप लोगों का सातों पॉइंट है द कैंडिडेट फाइनली इंपेल्ड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल सिक्स विल बी एक्सक्लूडेड इन द शॉर्ट प्रोसेस टू अदर अदर लोवल पे लेवल पोस्ट ईच कैंडिडेट नीड टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिशन ओनली वंस नॉर्मल कोर्स यानी कि वंस नॉर्मल कोर्स का मतलब क्या है कोई कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराने जाएगा और डी वी करा लेगा और प्लस मेडिकल करा लेगा इसके बाद में यदि वो यहाँ पर सक्सेज नहीं होता है और जब लेवल फाइव का रिजल्ट आएगा तो लेवल फाइव का रिजल्ट आएगा ना तो वो कैंडिडेट वो रेलवे बोल रहा है आप लोगों से कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और मेडिकल 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 एग्जामिशन ओनली वंस यदि आप लोगों का लेवल सिक्स में डॉक्यूमेंट वेरीफिक शन हो गया और जब लेवल फाइव में आप लोगों का लेवल फाइव में आप लोगों का नाम आ जाता है तो आप लोगों को डीवी और आप लोगों को मेडिकल में जा नहीं जाना है क्योंकि वो पहले से बोल रहा है कि आप लोगों का लेवल सिक्स में हो चुका है इसलिए आप लोगों को डी मेडिकल में नहीं जाना है ये आप लोगों की उनके लिए प्रोसेस होगी जो लेवल सिक्स में डी और मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं या फेल हो जाते हैं और लेवल सिक्स में उनका नाम आ जाता है तो लेवल ले, ले, लेवल फाइव में उनका नाम आ जाता है तो उनको लेवल आ, उनको जो गुड्स गार्ड सीनियर कमर्शियल कम टिकट के लिए उनको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका लेवल सिक्स में ही डी और मेडिकल हो जाता है तो इसलिए बोल रहा है कि एक बार ही होगा आप लोगों का डी मेडिकल उसके बाद में आप लोगों को दूसरे पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पर नहीं बुलाया जाएगा आप लोगों का पॉइंट पॉइंट कंप्लीट होता है अब देख लेते हैं आफ्टर जो भी, जो भी रिजल्ट होंगे वो पब्लिश करते जाएंगे जिससे जैसे प्रोसेस होता रहे जाएगा। अब देखो। जो काफी इंपॉर्टेंट है नवा जो पॉइंट का टू द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट इन पे लेवल एंड यूनिकनेस इन इम्पेलमेंट ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस लेवल द अब प्रोसेस इज ए बींग फ्लोवेड इव्यूलेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट इज ए ये टाइप कंज्यूम टा, टा, टाइम कंज्यूम प्रोसेसिंग ये ये बोल रहा है कि आप लोगों का हम मेंटेन कर रहे हैं आप लोगों का हर कैंडिडेट का यहाँ पे जो टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट हुआ है ना वो टाइपिंग टेस्ट में आप लोगों का आ, जो रिजल्ट बनाया जा रहा है ना वो टाइम कंज्यूम है आप लोगों का यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा ना वो प्रोसेस को लेकर आप लोग बोल रहा है कि टाइम कंज्यूम होगा यानी कि टाइम लगेगा आप लोगों का ऐसा नहीं है कि दो से तीन दिन के अंतर्गत आप लोगों का मतलब एक महीने में काम खत्म हो जाएगा सभी लेवल का ये टाइम लगेगा इसलिए रेलवे ने यहाँ पर पहले से ये पॉइंट लिख दिया गया ए टाइम कंज्यूम और प्रोसेसिंग आप लोगों का टाइम लगेगा हाउ एवर जो भी आर आर बी आर टेकिंग आल नेसेसरी स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो आर आर बी के द्वारा जो भी पॉसिबल हो सकता है वो शॉर्टेड टाइम में करेगा यानी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कराने की कोशिश करेगा ऐसा आर 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 बी बोल रहे हैं कैंडिडेट शुड नोट आल प्रे टू फेमस मिस मिस फॉर्मेशन कैंडिडेट आर एडवाई टू रेगुलरली विजिट आर आर बी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आप लोगों को, को कोई भी गलती या बेकाव में नहीं जाना है और आप लोगों का वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहना चाहिए और दसवा और ग्यारह पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है वो बी अवेयर फ्रॉड से मिस से संबंधित है तो आप लोगों का जो पॉइंट है, आप लोगों का नौ आप लोगों का आप लोगों का पॉइंट है नौ आठ सात ये यानी कि टोटल नो पॉइंट आप लोगों का इम्पोर्टेंट है तो ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो कि मैंने आप लोगों को बता दी आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा जो भी डाउट लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो मैं बता दूंगा आप लोगों को और थोड़ी बहुत गलती थोड़ी बहुत इंग्लिश रीडिंग करने में अगर थोड़ी बहुत गलती हुई तो माफ कर देना थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं तो इसलिए हो जाता है तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत थैंक्स कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज